गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के सोपान, कि हम देखते हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं उस कार्य के करने के लिए हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हम सारे सबसे पहले प्रक्रिया में आता है। अर्थात हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम निर्माण करते हैं, वो हमें सबसे पहले निर्धारित करते हैं कि हम उस कार्य को करने के लिए हमें क्या, कौन सी प्रक्रिया से गुजरना है। ये प्रक्रिया हमें हमारे उद्देश्यों तक हमें पहुंचाते हैं। जैसे अब हम ये कहें कि पाठ्यक्रम प्रक्रिया की क्यों जरूरी है, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के निर्माण जो हम करते हैं वो क्यों जरूरी होती है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि विद्यार्थी जो अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्य जो इन लक्ष्यों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो अपने पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया बनाते हैं कि उनको एक व्यवस्थित तरीके से किस तरीके से अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, वो उनके इस क्रम में छुपा हुआ होता है। हम कहते हैं कि जब हम कोई कार्य बिना सुनियोजित करके हम जिस कार्य को करते हैं वो कार्य हमारा कभी भी पूरा नहीं होता। अगर हम किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हैं, उसके हम स्टेप्स पहले हम तैयारी करते हैं, तो हमारा कार्य बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो इसी में ही पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में भी उतना ही महत्व है उसका, कि जब हम अगर इसको बिना सुनियोजित करके अगर हम पाठ्यक्रम बनाए, तो ये हम कह सकते हैं कि 100% हमारे पाठ्यक्रम में कमी हमें पता चल जाती है, कि हमारे पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है, और वो कमी हमारे जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लक्ष्यों पे उनका असर पड़ता है। जिन उद्देश्यों को वो लेकर चलते हैं वो उद्देश्य उनके पूरा नहीं हो पाते, या हम कहें कि उनके उद्देश्य उतने प्रभावी नहीं बन पाते, उनका कार्य प्रभावी नहीं होता जो इस पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में नहीं। अगर हम ये कहें कि पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया के सोपान है या निर्माण करने का जो कार्य है, वो एक अधिगम करने के लिए विद्यार्थियों को प्रभावी बनाने के लिए इस प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है, इस प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। कहते हैं बिना सुनियोजित के कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, तो पाठ्यक्रम में भी ये इसी तरह से महत्वपूर्ण है। और इसी पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में इसके जो विभाजन किया गया है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, दूसरा है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा है हमारा विषय वस्तु का चयन, या हम कहें उसे जो हम गठित करते हैं हमारे विषय का चयन करते हैं, और फिर उस विषय वस्तु का चयन करने के बाद उसके अंदर हम कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम उनके अंदर अनुभवों का समावेश करते हैं, चाहे वो अनुभव हमारे श्रम के हो या हमारे अनुभव किसी दूसरे के हो। और फोर्थ आता है हमारा मूल्यांकन। इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में हमारे वो सभी चीज आती है जो हमारी हम शुरू से करते हैं। कहते हैं इस मूल्यांकन में हमारे संसाधन, हमारी विधियां, हमारे पूर्व निरीक्षण का किया हुआ कार्य, ये सारी क्रियाएं हमारी इसके अंदर समावेश है। तो इन क्रियाओं का मैं अलग से वर्णन करूंगी। सबसे पहले जो आज मेरा टॉपिक है वो है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, यानी पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया के सोपान में सबसे पहला सोपान है हमारा शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। ये हम सब जानते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम बिना आवश्यकता के कोई भी कार्य नहीं करते। जब तक हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती तो हम वो कार्य करने के लिए हम कहते हैं हम हमारा कदम नहीं बढ़ाते। अगर हम कहें इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर बच्चे को भूख नहीं लगेगी तो बच्चा क्यों रोएगा। अगर किसी बच्चे को भूख नहीं लगती है, या हम कहें कि अगर बच्चा बहुत जोर से लगता है, तो हम क्या मानते हैं कि बच्चे को भूख लगी है, उसकी आवश्यकता को पहचानते हैं हम। तो ये कहा जाता है कि हम जब भी कोई कार्य कर लेते हैं तो बिना आवश्यकता के हम कोई भी कार्य नहीं करते। तो इसमें वही चीज है कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, कि हम पाठ्यक्रम निर्माण में पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले विद्यार्थी हमारी आवश्यकताओं को जान, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पहचानते हैं, या हम कहें पाठ्यक्रम जब बनाते हैं तो उन उद्देश्य और लक्ष्य की पहचान होती है
कि उस लक्ष्य के आधार पर वो पाठ्यक्रम तैयार हो जिससे कि बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति हो। तो इसमें प्रथम जो चीज है कि हमारे छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण हमें करना चाहिए कि बच्चे को क्या जरूरत है, उसको किस ज्ञान की आवश्यकता है, किस विषय के ज्ञान की आवश्यकता है, ये सब उसकी आवश्यकता के कारण ही हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। यानी कि जैसे विद्यार्थी की आवश्यकता होगी उसी तरीके का पाठ्यक्रम विद्यार्थी पढ़ने के लिए उत्सुक होगा या उसको पढ़ना चाहेगा। अगर उसकी आवश्यकताओं का उसमें समावेश नहीं होता है तो विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज यही है कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। अगर शैक्षिक आवश्यकता के निर्धारण में हम देखें तो कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला है हमारा सर्वेक्षण। यानी कि क्या करते हैं विद्यार्थी सर्वेक्षण में, हम ये कहते हैं कि विद्यार्थी जब सर्वेक्षण करता है तो उसमें अपनी आवश्यकताओं का पता करता है। विद्यार्थी की आवश्यकताओं का पता चलता है, वो अपने निर्माणकर्ता से, जो निर्माणकर्ता है यानी कि बनाने वाला, उससे हमारे लक्षित समूह, जो वो लक्ष्य लेकर चलते हैं, जो लक्ष्य का उनका समूह होता है उसको पूरा करने के लिए विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है, यानी सर्वे करता है। वो बहुत सारी चीज जो उसके दिमाग में होती है या अपने लक्ष्य को लेकर पूरा करने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है वो इस सर्वे से पता करता है। वो इसमें होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है, विभिन्न चीजों का पता करता है। तो कहते हैं कि सर्वेक्षण विभिन्न चीजों का, विद्यार्थी इसमें अपने सभी चीजों का अपना अध्ययन करता है, सभी पक्षों का अध्ययन करता है कि उसे किस चीज की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति की, जो प्रत्येक विद्यार्थी का हम कहें तो सब में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो उन्हीं पक्षों का इसमें अध्ययन करता है, सर्वे करता है, उसके बारे में वो पता करता है। तो पहला पॉइंट था हमारा सर्वेक्षण। सेकंड है हमारा आंकड़ों का विश्लेषण। कि हम कहते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण के लिए क्या करते हैं कि जब हम किसी, आंकड़े क्या होते हैं, हमारे फैक्टर होते हैं। यानी कि जब भी हम किसी चीज का आंकड़े तैयार करते हैं तो वो आंकड़े हमारे लिए फैक्टर होते हैं। तो पाठ्यक्रम में भी यही चीज कही है कि जो विभिन्न आयोग अपने जो आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न आयोग जो आंकड़े, विभिन्न आयोग अपने जो आंकड़े प्रस्तुत करता है उन आंकड़ों का हम विश्लेषण करते हैं। हम कहें कि अगर हमारे सामने किसी जनसंख्या का आंकड़ा आता है तो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर हमारे जो आयोग थे उन्होंने कौन सा आंकड़ा प्रदर्शित किया। यानी कि जो आयोग हमारा पाठ्यक्रम, जो शैक्षिक संस्थान हमारे पाठ्यक्रम बनाते हैं उनका विश्लेषण करके हम हमारे पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। या इसमें कहें कि जो विभिन्न जो शैक्षिक संस्थान हमारे आयोग हमारे जो पाठ्यक्रम बनाते हैं वो हमारे लिए ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिनका कि हम आगे जाकर विश्लेषण कर सकें, उन्हें देख सकें। अब इसमें कहें कि ये अपने जो आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं उनके विश्लेषण के लिए वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। वो कहते हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं, हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम जब हम चयन करते हैं या पाठ्यक्रम के लिए हम हमारी जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले हम कहें कि ये हमारी आवश्यकता है। यानी कि पॉइंट क्या चल रहा है हमारा, आवश्यकता, कि ये सबसे पहले आवश्यकता का जो आंकड़ों का विश्लेषण तीन आवश्यकताओं के आधार पर किया है। कैसे, सबसे पहले अवलोकित आवश्यकताएं, सेकंड है हमारी वास्तविक आवश्यकता, सॉरी फर्स्ट है हमारी अवलोकित आवश्यकताएं, सेकंड है हमारी अनुभूत आवश्यकताएं और थर्ड है हमारी वास्तविक आवश्यकताएं। इसमें कहा जाता है कि अवलोकित आवश्यकता, अवलोकित आवश्यकता यानी जिसका हमने ऑब्जर्व किया हो। और हमेशा हमने देखा है कि ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते किसका है, हम जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं वो ऑब्जर्वेशन हम हमेशा दूसरों का करते हैं कि हमारे लिए क्या चीज आवश्यक है। यानी कि हम ये महसूस करते हैं कि जो आवश्यकता हम ले रहे हैं, अवलोकित कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम दूसरों का करते हैं। यानी कि यहाँ हमने इस विषय के बारे में दूसरों से जानने की कोशिश की, या हम कहें कई बार ऐसा होता है हमने सामने वाले के कार्य को देखकर,
सामने वाले के कार्य को देखकर हम क्या हो जाते हैं, उससे के लिए हम कहते हैं प्रभावित हो जाते हैं कि हमें भी ये कार्य करना चाहिए, या हम हमारे अंदर उस चीज की आवश्यकता महसूस करने लग जाते हैं कि हमें ये कार्य करना है। तो सबसे पहले अवलोकित में हमने कहा कि एक शिक्षक जब क्लास में आता है, पढ़ाता है, तो बच्चे उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन किया, बच्चे कई बार किसी टीचर से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनके पढ़ाने के तरीकों को लेकर वो क्या करते हैं, उनका ऑब्जर्व करके उसी तरीके से वो पढ़ाने लग जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उस टीचर का ऑब्जर्वेशन किया। तो कहते हैं कि हमारी प्रथम जो आवश्यकता है वो हमारी हो गई अवलोकित आवश्यकताएं, जिसके लिए हम महसूस करते हैं। सेकंड है हमारी अनुभूत आवश्यकताएं, जो हमने ऑब्जर्व की, जो आवश्यकता हमने ऑब्जर्व की, अवलोकित की, उसको हमने अनुभूत यानी कि हमारे अंदर महसूस करने या कहें कि हम हमने करने के अनुभव प्राप्त करने की जरूरत आ गई। यहाँ हमने अवलोकन करके इसको अनुभूत यानी महसूस किया है कि ये कार्य भी हमें करना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर, हमने सोचा यहाँ पर, और यहाँ हमने उसके लिए महसूस किया कि हमें ये कार्य करना है। थर्ड, जब अनुभूत हो जाती है तो वही चीज़ हमारे लिए, वही विषय, वही लक्ष्य, वही हमारे उद्देश्य हमारे में वास्तविक बन जाता है। यानी कि ये आंकड़ों का विश्लेषण जो हम कहते हैं कि वास्तविक आवश्यकता हमारी प्राथमिकता बन जाती है, हमारा प्राथमिक शोध बन जाती है कि हमें इस चीज़ को पूरा करना है। ये आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता बनती है जब हमारी ये यहाँ से शुरू होती है। अवलोकित आवश्यकता, हम सिर्फ उसको देखते हैं कि हमें ये कार्य करना है, उसको अनुभूत करते हैं। अनुभूत करने के बाद में कहते हैं ना, जिस कार्य को हम वास्तविक ले लेते हैं कि अब हमें ये कार्य करना ही है, यहाँ जाकर हम उस कार्य को वास्तविकता प्रदान कर देते हैं कि अब हमें ये कार्य करना, और यही हमारा प्राथमिक बन जाता है। हम इसको प्राथमिकता देते हैं और यही हमारा प्राथमिक स्रोत बन जाता है। तो ये है हमारा आंकड़ों का विश्लेषण। इसी तरीके से कहा गया है, जो विभिन्न आयोग अपने जो आंकड़े, जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, वो हमारी इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए वो हमारे लिए हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। सेकंड है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। कहते हैं हम कि जब हमारी आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं में ही हमारा उद्देश्य है, यानी कि जो आवश्यकता हम चुन रहे हैं वो आवश्यकता किस तरीके से हमारे उद्देश्य को पूरा करवाते हैं, ये हमारे उद्देश्य में निहित होता है कि जो हम कार्य, जो हम आवश्यकता का चयन किया है, वो हमारे किस तरह से हमारे उद्देश्य का रूप लेती है, और उन उद्देश्यों के आधार पर हम हमारा कार्य करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि उद्देश्य ही तो हमारे क्या करते हैं, हमारे लक्ष्यों की पूर्ति करवाते हैं। कहते हैं उद्देश्य के अंदर हमारे लक्ष्य निहित होते हैं, उस लक्ष्य के, जो हमारा लक्ष्य हम लेकर चलते हैं, जो हम उद्देश्य पूरा करते हैं, उन उद्देश्य में हम हमारे किस तरीके से हमें इन उद्देश्यों को पूरा करना है, ये हमारे हमारा इस ये शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण है। ये हमारे इस स्टेप्स के द्वारा हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति करवाते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट उद्देश्य होता है मिलान। प्रथम जो हमारा उद्देश्य है वो है हमारा मिलान। कि मिलान से क्या होता है, कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ से हमारा मैच करते हैं, मिलान करते हैं। तो वो मिलान हम कैसे करते हैं, मिलान करता कौन है, मिलान करता है हमारा निर्माण करता। मिलान करते हैं हमारा निर्माण करता, जो बनाते हैं, वो जब अपना उद्देश्य बनाते हैं, निर्धारित करते हैं, तो निर्माण करता हमारा वो मिलान करता है। मिलान ये करते हैं कि क्या हम वो उद्देश्य जो ले रहे हैं वो हमारा पूरा भी हो रहा है या नहीं। किस तरीके से हम इस चीज को कहते हैं ना कि एक शिक्षक जब हमारी कक्षा में आते हैं, जब हमें पूरा चैप्टर, पूरा प्रकरण पढ़ा देते हैं, तो उनका मिलान करने का तरीका कौन सा हुआ, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। वो निर्माण करता हमसे यानी कि शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है। जब शिक्षार्थी से प्रश्न पूछते हैं शिक्षक, तो वो क्या मिलान कर रहे हैं, वो ये मिलान कर रहे हैं कि जितना मैंने बच्चों को पढ़ाया है, क्या बच्चों ने उतना ग्रहण किया है। अर्थात उद्देश्यों का जो हम निर्धारण करते हैं सबसे पहले, वो हम मिलान के लिए करते हैं कि जो हम उद्देश्य बच्चों के लिए लेके गए हैं, क्या बच्चों ने वो उद्देश्य पूरा किया या नहीं। इसके लिए ही हम हमारा मिलान का कार्य
करते हैं। तो इसमें बताया गया कि मिलान करने के लिए निर्माणकर्ता अपने विभिन्न तरीके से जांचने की कोशिश करता है कि क्या जो वो कार्य करने गए थे उनका वो कार्य पूरा हुआ या नहीं, जो उद्देश्य लेकर वो गए थे उन उद्देश्यों का, जो उद्देश्य समाहित थे उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं। तो इसमें कहा जाता है कि निर्माणकर्ता अपने उद्देश्यों का मिलान करते हैं। सेकंड है हमारा उत्कर्ष। उत्कर्ष के लिए हम कहें कि उत्कर्ष एक ऐसा शब्द होता है जिसमें उद्देश्य की प्राप्ति का भावी जीवन में कोई मूल्य होता है। उत्कर्ष जिसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, उत्कर्ष तब हमारे भावी जीवन के लिए होता है कि हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, ये हमारे उद्देश्यों में छिपा हुआ होता है। कहते हैं कि उद्देश्य हमें हमारे भावी जीवन को तैयार करने का एक मौका देते हैं। कहते हैं ना कि हमारे कार्य हमें क्या, हमारे कार्यों से तो हमारी पहचान है। जैसा हम कार्य करेंगे, अगर हम कहें कि हम कोई उद्देश्य नहीं लेकर चलते, अगर हम जीवन में सक्सेस होते हैं, जो उद्देश्य हमने सोचा है, जिस उद्देश्य की हम पूर्ति करते हैं, तो वो हमें हमारे जीवन में एक अलग से पहचान दिलाती है। वो हमारे लिए भावी जीवन के लिए हमारे लिए एक, कहते हैं ना कि प्रेरणा बन जाती है। तो उद्देश्य की प्राप्ति का भावी जीवन में कोई मूल्य होता है उसका, कि हमें किस तरीके का व्यक्ति बनाने जा रहे। तो ये किस में नहीं है, हमारे उद्देश्य में। अगर हम हमारे बिना उद्देश्य के कोई कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में उसकी कोई अहमियत नहीं होती, या हम कहें कि हमारे वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। तो उत्कर्ष के लिए ये है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते उन्नति करने के लिए हमारे लिए एक विशेष उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के द्वारा हम उस चीज़ को, हमारी चीज़ को पूरी करने के लिए, अभी ये पाठ्यक्रम जो होती है ये हमारा भावी जीवन में हमें क्या करना है, किस तरह से हमारे उद्देश्य को पूरा करना है, किस तरह से ये जो उद्देश्य हमारे लिए मूल्यवान बनेंगे, ये सब चीज़ें हमें निर्धारित करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कथन। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें कथन। कथन होता है हमारे, जो हम बोलते हैं हमारे शब्द, हमारे कथन। तो कहते हैं कि जब पाठ्यक्रम बनाएं तो उनके कथन में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता। यानी कि जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें कोई संशय हो। अर्थात पाठ्यक्रम बनाने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कथन, जो पाठ्यक्रम के लिए हम कथन कह रहे हैं या पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, वो पाठ्यक्रम हमारा स्पष्ट होना चाहिए। उसमें किंतु परंतु की कहीं भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमारे लिए हमारा ये पाठ्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर है इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट करें तार्किक वर्गीकरण। तो तार्किक वर्गीकरण में हम करते हैं कि यहाँ हम अपने उद्देश्य को क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, कि हमें हमारे उद्देश्यों को ऐसे तार्किक एक क्रमबद्ध रूप से रखना होता है कि हमें किस तरीके से हम कहें कि हम जो उद्देश्य कर निर्धारित करते हैं, कहते हैं कि हम जो उद्देश्य बनाते हैं उसे हम किस आधार पर बनाते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमारे उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हम हमारे जो उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, उन उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए हम तीन आधार करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यानी हम कार्यों का तर्क करते हैं, तो तार्किक क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। अब संज्ञानात्मक में हम देखें कि हम शारीरिक मानसिक का ज्ञान और हमारा कहते हैं मानसिक ज्ञान, हम यहाँ ज्ञान की श्रेणी ले सकते हैं। हम सबसे पहले जिस उद्देश्य की, जिस चीज़ के बारे में जानेंगे, अर्थात हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, हमारा तार्किक, हमारा क्रम सबसे पहले होगा ज्ञान, कि हम जिस चीज़ को ले रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान के बाद में कहते हैं संज्ञानात्मक, ये हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है, इसके अंदर हमारी शारीरिक संवेदनात्मक और हमारी मानसिक सारी प्रक्रियाएं हमारी इससे होकर गुजरती है। फिर हम कहें हमारी भावात्मक, तो भावात्मक में हम हमारी कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी इसके अंदर समाहित हो सकती है। कहते हैं कि जब हम कोई क्रिया करते हैं, कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उससे हमारा क्या जुड़ा होता है, हमारे भाव,
और वो भाव हमारे कौन सी कौन क्या कहलाता है, हमारा मनोविज्ञान। कहते हैं कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो ज्ञान के साथ हमारा मनोविज्ञान भी उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है और उसके बाद में हम उसके ऊपर क्रिया करते हैं। तो ये तीन क्रम होते हैं हमारे कार्य करने के, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इस तार्किक क्रम के आधार पर, इस क्रमबद्ध तरीके के आधार पर हम कार्य करना शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से ये कार्य आगे बढ़ाना है। फिर आती है हमारी उपयुक्तता। हमारी उपयुक्तता, उपयुक्तता का मतलब होता है पाठ्यचर्या के निर्माण में जो छात्रों की आवश्यकता हो कि उसको किस तरह से उसकी आवश्यकता है कि वो उस कार्य को पूरा करे। कहते हैं कि जब हमारे, कहते हैं ना कि हमारे उद्देश्य ऐसे होने चाहिए, उद्देश्य ऐसे हो जिससे जिससे हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो। अर्थात अगर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति है तो वो हमारे लिए उपयुक्त है, अगर उससे हमारे उद्देश्य ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो क्या हमारे लिए वो पाठ्यक्रम उपयुक्त होगा? नहीं, वो हमारे लिए अनुपयुक्त होगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि हम जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं वो पाठ्यक्रम ऐसे हो जिससे छात्र अपनी उद्देश्य को पूरा कर सके। अर्थात उद्देश्य की उपयुक्तता होनी चाहिए, महत्वता होनी चाहिए, उसके लिए पूरा करने के लिए होना चाहिए कि वो किस तरह से उसे पूरा करे। तो इसमें कह सकते हैं कि जो उसके लिए उपयोगी हो वही पाठ्यक्रम हमें अब बनाना चाहिए। कई बार अनावश्यक पाठ्यक्रम उसके अंदर समाहित नहीं करना चाहिए। कहें कि बच्चे को जितनी आवश्यकता होती है, जितना उसके लिए उपयोगी हो उतना ही उसको पाठ्यक्रम बनाएं कि उसके लिए पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, वो किस तरह से अपना पाठ्यक्रम बना रहा है। तो इसमें बताया गया है कि ये उपयुक्तता पर निर्धारित होता है हमारी कि हम जो पाठ्यक्रम बनाएं वो हमारा पाठ्यक्रम बच्चों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, अनुपयुक्त नहीं होना चाहिए, जिससे कि उनकी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके महत्व भी बढ़े, उसका प्रभाव भी बढ़े। फिर है हमारा पुनर्निरीक्षण। जब हम कहते हैं कि हम कोई कार्य करते हैं तो छात्रों का पुनर्निरीक्षण भी करते हैं, उसकी वो अनुदेशात्मक क्रियाएं हम करवाते हैं, शिक्षक करवाते हैं उनसे कि विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनके आधार पर वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये पता करते हैं कि क्या हम जो कार्य किया हमारा पूरा हुआ या नहीं। तो हमारी जो कहते हैं पाठ्यक्रम, हमारी पुनर्निरीक्षण की भी एक क्रिया इसके अंदर समाहित होती है। हम जो शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं उसके लिए हमें पुनः जांचने के लिए, अगर हम सिंपल से कहें कि जो शिक्षक होते हैं वो हमारा चाहिए, हमारा जो टेस्ट हमारा लेते हैं इसके लिए, या हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई हमारे पाठ्यक्रम संबंधित हमारी कोई चीज़ें पूछ जाती है, पुनर्निरीक्षण के अंदर आता है जिसे हमें दोबारा हमारी जांच हो सके। तो ये हमारे, क्योंकि जब हमारा पाठ्यक्रम बनता है तो उस पाठ्यक्रम के अंदर पुनर्निरीक्षण का समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम हमारी सीखी हुई चीज़ों का जांच, सीखी हुई चीज़ों को हम जांच सकें कि हमने किस तरीके का ज्ञान प्राप्त किया है या कहाँ तक हमने ज्ञान प्राप्त किया है। तो आज का जो हमारा था पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया में, मैंने आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैंने आपके दो बिंदु बताए, इसमें या हम इसको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का सोपान प्रथम कर सकते हैं। इसमें हमने प्रथम में दो का वर्णन किया है। पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण और दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। और जो शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण है इसके अंदर मैंने जो क्रियाएं करवाई, जो प्रथम हमारा टॉपिक था वो है हमारा सर्वेक्षण, सेकंड है हमारा आंकड़ों का विश्लेषण, और शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में है हमारा फर्स्ट बिंदु मिलान, सेकंड है हमारा उत्कर्ष, थर्ड है इसमें कथन, और फोर्थ है हमारा तार्किक वर्गीकरण, और फिफ्थ है हमारा उपयुक्तता, और लास्ट है हमारा पुनर्निरीक्षण। आगे के जो तीन बिंदु हैं, तीन जो उसके बिंदु दिए गए हैं, इनका मैं आगे की वीडियो में वर्णन करूंगी। धन्यवाद।